प्रोसेसिस का इम्यूनो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन सो इन दोनों प्रोसेसिस का कॉम्बिनेशन क्या होता है इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरोसिस तो बेसिकली इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरिस में क्या जाता है क्या किया जाता है फर्स्ट स्टेज पे, तो फर्स्ट स्टेज पे हम इलेक्ट्रोफोरेसिस परफॉर्म करते हैं जिसमें हम एंटीजन के मिक्सचर को एंटीजन का मिक्सचर होगा उस एंटीजन के मिक्सचर को हम क्या करते हैं सेपरेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर चार्ज एंड साइज तो हम इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज करके एंटीजन को सेपरेट करते हैं सेकेंड स्टेज में हम क्या कहते हैं इम्यूनो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन अब इम्यूनो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में हम क्या करते हैं एंटीबॉडीज एंटीजन अगेंस्ट एंटीबॉडीज को अ, फिलअप करते हैं या फिर एंटीबॉडीज़ को इनकॉर्पोरेट करते हैं के में जिसके वजह से एंटीजन और एंटीबॉडी में क्या होगा इंटरेक्शन होगा और इंटरेक्शन होने के बाद वहाँ पे क्या फॉर्म होगा एक प्रेसिपिटेट लाइन फॉर्म होती हुई हमें दिखाई देगी सो so, दो स्टेज होते हैं इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरोसिस में फर्स्ट इलेक्ट्रोफोरोसिस सेपरेशन ऑफ एंटीजन एंड सेकेंड इज द इम्यूनो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जिसमें हम एंटीबॉडीज़ को इनकॉर्पोरेट करते हैं अगेंस्ट एंटीजन अब ये हम इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरोसिस क्यों परफॉर्म करते हैं यूज़ क्या है इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरोसिस का तो अगर हमें अगर अननोन मिक्सचर मिला एंटीजन का अगर एंटीजन का अननोन मिक्सचर है और हमें आइडेंटिफाई करना है एक पर्टिकुलर एंटीजन तो फॉर द आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन परपज के लिए कि कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है अ, मतलब सीरम में एंटीजन प्रेजेंट है भी नहीं है या नहीं भी उसे आइडेंटिफाई करना और कैरेक्टराइजेशन ऑफ एंटीजन कैरेक्टराइजेशन ऑफ एंटीजन सो इन दो पर्पज के लिए हम इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरिस बेसिकली परफॉर्म करते हैं अब इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरोसिस चार मेन टाइप्स के होते हैं फोर टाइप्स ऑफ इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरोसिस क्लासिकल क्रॉस रॉकेट और इम्यूनोफिक्सेशन आज की वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ हम क्लासिकल इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरिस के बारे में कैसे परफॉर्म किया जाता है बेसिक प्रोसीजर क्या होती है ये सब कुछ आने वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्रॉस रॉकेट और इम्यूनोफिक्सेशन के बारे में सो लेट स्टार्ट विथ क्लासिकल इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरोसिस तो जैसे हमने दे देखा इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरोसिस में दो टेक्निक्स कम्बाइन होती है एक इम्यूनो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और दूसरी इलेक्ट्रोफोरोसिस वैसे ही क्लासिकल इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरोसिस में भी दो अलग अलग टेक्निक्स का कॉम्बिनेशन होता है या फिर कम्बाइन प्रोसेसिस होते हैं क्लासिकल इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरोसिस में भी एक होता है इलेक्ट्रोफोरोसिस जो मेन प्रोसेस है और दूसरी होती है डबल इम्यूनो डिफ्यूजन डबल इम्यूनो डिफिजन डबल इम्यूनो डिफिजन को हम क्या कहते हैं और एक नाम कौन सा होता है ऑक्टरलोनी मेथड अगर आपने डबल इम्यूनो डिफिजन के बारे में आपको नहीं पता हो तो मैंने एक वीडियो इस पर बना दी है सो आई और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो का लिंक डबल इम्यूनो डिफिजन के वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी

विद द हेल्प ऑफ़ इलेक्ट्रोफोरोसिस और एंटीजन कैसे सेपरेट हो रहे हैं बेस्ड ऑन देयर साइज एंड देयर चार्ज जो भी चार्ज होगा या फिर जो भी साइज होगी एंटीजन की ऑन द बेसिस ऑफ दैट एंटीजन सेपरेट हो गए इलेक्ट्रोफोरोसिस में इसलिए हम इलेक्ट्रोफोरोसिस यूज़ करते हैं सेकेंड स्टेज इज द डबल इम्यूनो डिफ्यूजन और डबल इम्यूनो डिफ्यूजन में क्या होगा जो भी एंटीजन हमें आइडेंटिफाई करना होगा वो हम एंटीजन विद द हेल्प ऑफ डबल इम्यूनो डिफ्यूजन हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं सो so, हम देखेंगे प्रोसीजर क्लासिकल इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरोसिस की प्रोसीजर तो क्या किया जाता है फॉर एग्जाम्पल ये एक जेल अगार जेल है ठीक है और हमने यहाँ पे एक वेल बनाई और इस वेल में हमने क्या फीलअप किया मिक्सचर ऑफ एंटीजन एंटीजन के मिक्सचर को इसके बाद हमने क्या किया इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की इलेक्ट्रिक अप्लाई करने के बाद एंटीजेंस जो होते हैं वो एंटीजेंस मूव करेंगे ठीक है एंटीजेंस मूव करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर चार्ज एंड देयर साइज तो एंटीजेंस मूव करने के बाद क्या होता है एंटीजेंस सेपरेट हो गए ऑन द बेसिस ऑफ देयर चार्ज एंड साइज एंटीजेंस जब सेपरेट हो जाते हैं तब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को रिमूव कर देते हैं और रिमूव करने के बाद हम क्या करते हैं ये जो नीचे है ठीक है नीचे हम क्या करते हैं एक एम्प्टी ट्रफ बनाते हैं कट करके उस अगार जेल में जो जेल है इस अगार जेल में नीचे की तरफ हमें मैं फिर से बना देती तो जेल है हमने जेल में एक एक वेल वेल बनाए इस इस में में सॉरी जेल जेल है हमने वेल बनाए वेल बनाने के बाद हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जिसके वजह से जो एंटीजन होते हैं वो सेपरेट हुआ सेपरेट होने के बाद हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बंद कर दी हमने क्या किया इलेक्ट्रिक फील्ड रिमूव कर दी और नीचे की तरफ हमने एक एमटी ट्रफ बनाया कट किया और जेल को क्या किया कट करके हमने यहाँ पे एक एमटी ट्रफ बनाया क्या बनाया एम टी ट्रफ और इसमें क्या फिलअप किया इसमें हमने फिलअप किया एंटीबॉडीज को अब हमने एंटीबॉडीज को यहाँ पे फिलअप कर दिया ठीक है अभी एंटीबॉडीज डिफ्यूज होंगे एंटीजन की तरफ और एंटीजन डिफ्यूज होंगे एंटीबॉडीज की तरफ और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे एंटीजन और एंटीबॉडी का कॉन्सेंट्रेशन कैसा होगा इक्वल होगा और इक्वल होने के वजह से वहाँ पे क्या फॉर्म होगा एक प्रेसिपिटेट आर्क फॉर्म होगा या फिर एक प्रेसिपिटेट लाइन फॉर्म होगी फॉर एग्जांपल ये एंटी anti, एंटीजन uh, की जो इपिटोप्स है दैट इज स्पेसिफिक फॉर दिस एंटीबॉडी और यहाँ पर आके इस पोजिशन पर आप जो एंटीजन और एंटीजन है उनका कॉन्सेंट्रेशन कैसा है इक्वल है सो एंटीजन और एंटीबॉडी में क्या होगा इंटरेक्शन होगा इंटरेक्शन होने के बाद उस जगह पे क्या फॉर्म होगा एक प्रेसिपिटेट आर्क फॉर्म होगा और बाकी जगह हमें आर्क क्यों नहीं फॉर्म होते हुए दिखे क्योंकि एंटीजन और एंटीबॉडी का इंटरेक्शन ही नहीं हुआ अगर इंटरेक्शन ही नहीं होगा तो प्रेसिपिटेट आर्क हमें कहाँ से दिखाई देगा कहाँ से फॉर्म हुआ दिखाई देगा इसीलिए प्रेसिपिटेट आर्क कहाँ पे फॉर्म होगा जहाँ पे एंटीजन और एंटीबॉडी का कॉन्सेंट्रेशन कैसा रहेगा ऑप्टिमम होगा और जो एंटीजन है वो दे आर स्पेसिफिक फॉर दैट एंटीबॉडी यहाँ पर ही हमें एंटीजन सॉरी प्रेसिपिटेट आर्क फॉर्म होते हुआ दिखेगा सो दिस इज द बेसिक प्रोसीजर ऑफ क्लासिकल इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरोसिस सो इससे इम्यूनो इलेक्ट्रोफोर को हम लेकर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी एंटीजन को एक एंटीजन को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ क्लासिकल इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरोसिस और क्लास दो बातें ध्यान में रखनी है कि क्लासिकल इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरिस में दो टेक्निक्स कंबाइन करते हैं इलेक्ट्रोफोरोसिस और डबल इम्यूनोडिफिजन दूसरी बात इलेक्ट्रोफोरेसिस क्यों यूज किया जाता है ताकि हम एंटीजेंस को सेपरेट कर सके और डबल इम्यूनो डिफ्यूजन क्यों ताकि हम एंटीजन को आइडेंटिफाई कर सके सो so, ये दोनों टेक्निक्स हम कंबाइन करके क्लासिकल इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस परफॉर्म करते हैं आने वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग क्रॉस इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस सो so, आई होप आपको क्लासिकल इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में समझ में आ गया होगा इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इट विल बी हेल्पफुल फॉर मी सो थैंक यू